भीग जाओगी बेटी, तुम यहीं रहो, मैं अभी आती हूँ। हाँ एक्सक्यूज मी, थोड़ा जल्दी पैक कर दीजिए, बच्चे कार में है। हाँ प्लीज। ए, ऑटो निकाल, चल चल निकाल। ये देखो और एक गाड़ी पार्क है, नो पार्किंग में पार्क है, इसे टो करके पुलिस स्टेशन ले चलो। थैंक यू। अरे गाड़ी कहाँ है, गाड़ी कहाँ गई मेरी बच्ची? यहाँ जो गाड़ी खड़ी थी वो कहाँ? ट्रैफिक पुलिस वाले आकर ले गए। मेरी बच्ची है कार में। ऑटो सर, बाजार से उठाई हुई गाड़ी में मेरी बच्ची है। क्या आपकी बच्ची है? आपकी गाड़ी वहाँ पर है। चलिए। गाड़ी कहाँ है? मेरी बच्ची कहाँ गई? ये वाली गाड़ी है। खोलिए खोलिए, जल्दी खोलिए गाड़ी को, जल्दी। मेरी बच्ची, हाँ मेरी बच्ची है अंदर। मेरी बच्ची, इसमें तो मेरी बच्ची नहीं है, कहाँ गई? क्या किया आपने मेरी बच्ची के साथ? कहाँ है मेरी बच्ची? कहाँ है? बताइए, बताओ मेरी बच्ची कहाँ है? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे कुछ भी नहीं। इतना क्यों शर्मा रहा है? रात को सपने में ऐश्वर्या आकर। हाँ सपने में आकर। ऐश्वर्या राय सपने में आकर। क्या की बोल रहे यार? बोलू क्या? मेरे गले में वरमाला पहनाई। ठीक से याद कर। हाँ। उस वक्त तू बैठा हुआ था या तेरे बाजू में अगरबत्ती लगा दी थी? अरे तू चुप यार, हमेशा ऐसा ही करता है। देखो ना भाई इसे। क्या हुआ भाई, आप अभी तक उस स्कूल के बच्चों के बारे में ही सोच रहे हो क्या? हाँ, उन बच्चों को एक दूसरे की मदद करने की सोच आना रियली ग्रेट। और क्या करें, एक दूसरे की सहायता तो करनी ही पड़ेगी, विकलांग है ना? वो लोग विकलांग नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक होने पर भी मदद करने का मन जिसमें नहीं है वो विकलांग है। बिना हाथों वाली लड़की अपनी मदद के लिए लोगों के पास जा रही थी तो भी कोई उसके सामने नहीं आया। रास्कल्स। छोड़ो ना भाई, आज के इंसानों में दूसरों की मदद करने की सोच ही नहीं है। मदद करने की सोच नहीं होती है, बल्कि उसे मानने वाला कोई नहीं है। हर कोई एक दूसरे की मदद कर सके ऐसा कुछ करना चाहिए। सही कहा भाई, करेक्ट। वो तो ठीक है, इससे पहले तुमने किसी की मदद की है क्या? मदद बोले तो। हाँ ठीक है ठीक है, फ्यूचर में कितने लोगों की मदद करोगे? फ्यूचर में तो कम से कम 50, 100, 150 लोग। जरूरत नहीं है, जस्ट 3 लोगों की मदद करो, इस पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। 3 लोगों की मदद करके पूरी दुनिया को बदल सकते हैं? वो कैसे पॉसिबल है भाई? पॉसिबल है। ये मैं हूं, मैं 3 लोगों की मदद करूंगा, उन तीनों से थैंक्स के बदले मैं उन तीनों को और 3 की मदद करने के लिए कहूंगा। उस तरह से 3-3 में बिखर कर आखिर में हर एक में सामने वाले की मदद करने की सोच जाग जाएगी। हम जब अनजान इंसान की हेल्प करते हैं तब उनमें भी दूसरों की मदद करने की सोच जाग जाती है। इस दुनिया में इंसान की मदद करने भगवान नहीं आएगा, इंसान की मदद इंसान को ही करनी है। बिजली या बल्ब की खोज भगवान ने नहीं की, इंटरनेट से लेकर इडली कुकर तक हर चीज इंसान ने बनाई है। इंसान चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकता है, ऐसा मुझे भरोसा है। अरे भाई ये बच्ची कौन है? कल मैं और दीदी बिग बाजार गए थे। कार का नंबर आरटीओ ऑफिस में देकर उनका एड्रेस बताने को कहा है, एनी टाइम फोन आ सकता है वहीं से। हेलो, हाँ बोलिए सर। एड्रेस? ओह ओके, थैंक यू। एड्रेस क्या है भाई? चंदन नगर।
हमने जिस अच्छे काम के बारे में सोचा है वो काम इस बच्ची से ही श्री गणेशा करते हैं। अरे रे रे, घर पहुंच गई माँ। हमारी बच्ची मिल गई माँ, हमारी बच्ची मिल गई, मेरी बच्ची। मेरी शादी के 7 साल बाद ये बच्ची पैदा हुई थी। अगर इसे कुछ हो जाता तो पता नहीं हमारा क्या हो जाता। आपने जो मदद की है वो सिर्फ शुक्रिया कहकर चुकाने वाली मदद नहीं है। अब मैं क्या करूं, थैंक्स बोले बिना रह भी नहीं सकता। सिंपली थैंक्स बोलकर हाथ छुड़ाने के बारे में सोच रहे हो क्या? तो फिर बोलिए ना, आपको क्या चाहिए? देखो, किसी ना किसी को मदद की जरूरत होती है। उनमें से किन्हीं 3 की आप मदद कीजिए, उसी तरह से उन मदद लेने वालों को हर एक को और किसी 3 की मदद करने के लिए कहिए। ओ, बस इतना ही? काफी अच्छी सोच है, हमारा बेटा ये जरूर करेगा। इट्स माय प्रॉमिस, मैं जरूर करूंगा। ठीक है सर, नमस्ते। नमस्ते, चलते हैं। नमस्ते, चलिए। उनकी खुशी को देखकर लगता है कि तुमने जो सोचा है वो जरूर होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। स्टेलिन, स्टेलिन, इस लड़की की फोटो देखिए माते। ये देखिए, इस लड़की का नाम है महेश्वरी। कुछ दिन पहले ही 200 किलोमीटर भागकर सेकंड प्राइज जीती है। अगर वो फर्स्ट प्राइज लाती ना तो भी नहीं चलेगी। माते, आपके बेटे का रिश्ता लाना मुझसे नहीं होगा, मुझसे तो नहीं होगा। साक्षात ब्रह्मा जी को फोन करके अच्छी फिगर भेजने को कहना पड़ेगा। हाँ, मेरे बेटे की रेंज तो देखो। हाँ, उसके स्टाइल के लिए तो। पंडित पंडित, उस लड़की को देखो, वैसी लड़कियां दिखाओ ना। तुम्हारी लाई लड़कियों का देखो बेकार। बैठो, कॉफी लेकर आती हूँ। लड़कियों का तो पता नहीं, पर तुम्हारी मेहमान नवाजी करते करते थक गई हूँ। कॉफी क्या है माते, ये तो बाद में भी पी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए, ये लड़की कैसी है, अप्सरा जैसी है। ये लड़की आपके बेटे की करेक्ट जोड़ी है। देखिए, लड़के चाहिए करके विज्ञापन भी दिया इसमें, देखिए। हाँ पंडित, ऐसी लड़की, ऐसी लड़की ही तो चाहिए थी। वाह वाह। माते, इस लड़की के साथ अपने लड़के को सोचकर देखिए। तू ही मेरा चांद है, तू ही मेरी चांदनी। रुके रुके माते, कौन सा 1950 के जमाने के बारे में सोच रही हो? लेटेस्ट माते, लेटेस्ट। पंडित, पंडित, ए पंडित, क्या अकेले अकेले हंस रहा है? यही है मेरे बेटे के लिए सही जोड़ी। रुको, मैं तुम्हारी दक्षिणा लाती हूँ। बहुत मेहरबानी माते। क्यों भाई, फिर से आ गए क्या? यही मिलने आ गया था। आ गया तू? देख भाभी का फोटो, देख वो फोटो कहाँ है, दिखाओ उसे। अरे चलो ना, है ना माते, है ना माते, दिखाओ आप, दिखाओ। एकदम सही जोड़ी है, कितनी प्यारी लग रही है। भाभी इधर तो, मैं देखता हूँ। ये हमारी भाभी जी हैं क्या? माँ एक मिनट। हाँ, इधर देखो, भाभी जी किसी और के साथ भी हैं, यानी ऑलरेडी शादी हो गई है। पंडित, पहले से ही शादीशुदा लड़की के साथ मेरे बेटे की शादी करवाना चाहता है? कहाँ गया, कहाँ गया ये, कहाँ मर गया? माँ, उसके साथ पैसे भी गायब हो गए हैं। दुखी मत हो से ऋषि, चुप हो जाओ। बच्चों की जैसे क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? तुम नीचे खड़े होकर वेट करो। लेकिन वो रो क्यों रही है? उनका पर्सनल मैटर है, तुमसे क्या मतलब है? हाँ, जाओ यहाँ से। चुप हो जाओ सिरिशा। सिरिशा, उस कमीने ने कोई नाम बताया? नहीं मैम, हमेशा की तरह आज भी उसने फोन करके काफी गंदी तरीके से बात की। पब्लिक टॉयलेट पर मेरा नंबर लिखकर, अगर लड़की चाहिए तो इस नंबर पर फोन करो, ऐसे लिखा था। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं मैम,
घर वालों को बड़ी मुश्किल से राजी किया है। अब अगर ये बात घर में पता चल गई तो शादी कैंसिल हो जाएगी। तुम फिर आ गए, तुम्हें नीचे वेट करने के। ये मैटर मुझसे ही सेटल होगा। बोलो बहन। मेरे शरीर पर कहां कहां तिले, उसे सब पता है। वो कह रहा था, इतना ही नहीं एक रात उसके साथ बिताने को भी कह रहा। फिर से उसी का फोन होगा। बात करो, डरो मत, बात करो। हेलो, ये वही है, गंदी बातें कर रहा है। तुम बातें करते रहना, चाहे वो जितना भी परेशान कर दे, फोन कट मत करना। कौन हो तुम, आखिर क्या चाहिए तुम्हें? हेलो, तो आखिरकार क्या सोचा तुमने? कौन हो तुम? हेलो, अक्का भाई है मैडम। अब तुम्हारी परेशानी खत्म हो गई। ये तो हमारे फैमिली डॉक्टर है। डॉक्टर उठे। डॉक्टर शर्म नहीं आती? पेशेंट जब बेहोश होता है तब उसका दिल कैसे धड़क रहा है, उसकी नसें कैसे काम कर रही है, ये चेक किया जाता है, ना कि उसके शरीर पर तिल कहां पर है। 24 घंटों के अंदर अगर तुमने अपने डॉक्टर का बोर्ड नहीं निकाला तो सर काट दूंगा तुम्हारा। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से रहो। ऑल द बेस्ट। एक्सक्यूज मी सर। यस। मैं अपना प्यार खोने ही वाला था, आपने उसे बचा लिया। समझ में नहीं आता आपको कैसे शुक्रिया कहूं। हाँ, उसमें कोई बात। थैंक यू वेरी मच सर। इट्स ओके। एक्सक्यूज मी। जी सर। अभी आपने क्या कहा? शुक्रिया कहा सर। मुझे थैंक्स नहीं चाहिए, किसी 3 जरूरतमंदों की आप हेल्प करो और उन 3 को और 3 लोगों की मदद करने के लिए कहिए। दैट्स ऑल। जरूर करूंगा सर।